नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम काव्य खंड में तोप कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं वीरेंद्र डंगवा। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है दो बार। पहले इसके सरदार देखें। कंपनी बाग का तात्पर्य है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया बगीचा। मुहाने का अर्थ है प्रवेश द्वार। 1857 की तोप का तात्पर्य है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने भारतीय वीर योद्धाओं के खिलाफ जिस तोप को काम में लिया था। संभाल का अर्थ है देखभाल। विरासत का तात्पर्य है पूर्वजों से मिली कोई भी वस्तु। अब इसका भाव देखते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर, इसका तात्पर्य कवि कह रहे हैं कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी के बगीचे के मुख्य द्वार पर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो वहां पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। उस कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर 1857 के संग्राम में काम में ली गई तोप को रखा गया। इसकी होती है बड़ी संभाल और इस समय ये तोप हमें विरासत में मिली, इस कारण इस तोप को आज भी सुरक्षित रखा गया और उसकी बहुत ही अच्छे ढंग से देखभाल की जाती है। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह ये तोप हमें मानो विरासत में कंपनी बाग के द्वारा, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दी गई विरासत की तोप है, जिसको कि आज भारतीय संभाल कर रखे हुए। साल में चमकाई जाती है दो बार। इस तोप को साल में दो बार चमकाया जाता है। साल में दो बार 15 अगस्त और 26 जनवरी यानी भारतीयों के ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इस तोप को चमकाया जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। इस पंक्ति में कवि कह रहा है कि आज इस कंपनी बाग जहां पर तोप को संभाल कर रखा गया है उसमें सुबह शाम बहुत से सैलानी अर्थात पर्यटक या भ्रमणकारी लोग आते हैं। इन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। और मानो आज ये तोप जो कंपनी बाग के मुहाने पर रखी गई है, यहाँ पर जो सैलानी या पर्यटक आते हैं उनको ये बताती है कि कभी किसी जमाने में अर्थात 1857 के संग्राम में मैं बहुत अधिक शक्तिशाली थी और मैंने भारतीय अच्छे अच्छे महान सूरवीर योद्धाओं के धज्जे उड़ा दिए थे, भारतीय सूरवीर योद्धाओं के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए थे। इस प्रकार यह तोप अपने गौरव गाथा बाग में आने जाने वाले सभी लोगों को बताती है।